अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद। आज सलमा बेगम जो फर्स्ट अफेयर वाली थी, आज उनके अकाउंट में 12.5 लाख रुपया हीरा ग्रुप की जानिब से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि इससे पहले हीरा ग्रुप की तारीफ जानिब से दावा किया गया था। और हीरा ग्रुप के हैदराबाद की ऑफिस, बंजारा हिल्स में जो ऑफिस है, उस ऑफिस के जो वहाँ पर बैठते हैं हेड हैं मोहतरमा आबिदा बेगम, उन्होंने भी दावा कर दिया था कि तुम्हारा पैसा तुमको दे दिया गया है, तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो उस अकाउंट को पेश कर दिया गया कि इनके अकाउंट में पैसा दे दिया गया। लेकिन वहाँ पे हमारे जो वकील थे, जिनको जनाब डॉक्टर अनस साहब ने, जो है अपॉइंट किया था अपने खर्चे से, सलमा बेगम का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, उन्होंने अपने पैसे से जो है वकील वहाँ पर हायर किए थे। वकील की जो फीस थी वो डॉक्टर अनस ने दिए। उन्होंने बाकायदा जो है एक टेक्निकल पॉइंट उठाते हुए उस अकाउंट के जो गड़बड़ थे नंबर्स, उस नंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया, और आगाह करने के बाद किया कि सलमा बेगम का अकाउंट ये है, ये नंबर है, और इस नंबर में 2 नंबर गायब है बोल के लास्ट पिछले 2 हियरिंग पहले उन्होंने दावा किया था। और दावा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में हिदायत दिए थे कि पहले उनका पैसा ट्रांसफ़र करो और उसके बाद में जो है दूसरी बात करेंगे। तो उसके बाद में जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए हीरा ग्रुप की जानिब से सलमा बेगम के जो अकाउंट में था, जो उनका अकाउंट से पैसा उनको गया था, उसी अकाउंट में उनको पैसे आए। तो ये बहुत खुशी की बात है उन तमाम इन्वेस्टरों के लिए कि अकाउंट से अकाउंट में जो पैसा आया है वही जो है मायने रखता है। यानी आपके अकाउंट में पैसा आया है तो ही आपको जो है आप वो दावा जो है वो नोएडा चेक दुरुस्त कर सकते हैं, और आप भी अपना दावा जो है कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। यानी अकाउंट से अकाउंट का जो है ट्रांसफ़र जो है बिल्कुल मतलब एकदम वेरीफाई करने के लिए जो है बहुत बड़ा सबूत है। और आज ये एक बहुत मामूली जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। और वहाँ पे हीरा ग्रुप को भी जो है ये साबित करने के लिए भी जो है मजबूर कर दिया गया कि अकाउंट से अकाउंट ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, जबकि हीरा ग्रुप ने भी जो है बता दिया था कि हमने जो दूसरा ये अकाउंट में डाल दिया था तो उस अकाउंट में जो गड़बड़ी थी। खैर कोई बात नहीं, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ ये काम। और तमाम इन्वेस्टरों के लिए भी जो है जो क्लेम किए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए। और हीरा ग्रुप की तरफ से जानिब से ये दावा किया गया था कि उनको जो है उनके अकाउंट में पैसा दिया गया, लेकिन आज सलमा बेगम के जो रियली उनका जो अकाउंट नंबर था उनके अकाउंट में आज 12.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो गए। और बहुत खुशी की बात है, सलमा बेगम ने भी जो है बहुत खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया इस काम के लिए। जो मैं डॉक्टर अनस का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने खर्चे से उस बहन का जो है केस लड़ा। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ कि आखिर एक सवाल उठता है, आखिर हीरा ग्रुप की बंजारा हिल की ऑफिस से किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया 12.5 लाख। अब ये हीरा ग्रुप को सोचना चाहिए कि उन्होंने किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, और जो हीरा ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने किसके अकाउंट में पैसा 12.5 लाख ट्रांसफ़र किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है हीरा ग्रुप की जानिब से जो है उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको मालूम करनी चाहिए कि किस तरह उनकी कंपनी में जो लोग बैठे हैं किस तरह वो लोगों मतलब इस तरह जो है खेल के जो है नोएडा शेख को जो है बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी, इसे मैं बदनाम करने की कोशिश ही कहूँगा। और इसे बाद में इस बारे में बहुत सारी बातें जो है तफसील से बताऊँगा। चल आप तक के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद। अस्सलाम वालेकुम, यूनुस भाई ने जो मैसेज डाला है बस वही पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम में से अक्सर जानते होंगे कि सलमा नाम की हमारी एक बहन ने हीरा ग्रुप के साथ अपने वाजिबात के बारे में मुंबई से हमारे भाई डॉक्टर अनस के फराम किरदा वकील के ज़रिए इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रुजू किया था, और वो पहली शिकायत कुनिंदा थी। और हीरा ग्रुप से इसकी रकम वसूल ना करने के बाद मुझे ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हीरा ग्रुप को 3 अक्टूबर 2023 की आखिरी समाअत के बाद बहन सलमा के अकाउंट में रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया है, जिस पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से फैसला सुनाया है। हीरा ग्रुप को अपने दावों को हल करने की हिदायत दी है।
मुझे अपनी बहन सलमा का फ़ोन आया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैसे वापस मिलने पर बहुत खुश थी। मैंने इनसे ये बताने में कोई वक्त नहीं लिया कि हमें बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, और इनसे कहा कि वो हम में से बाकी लोगों के लिए दुआ करें। मैंने हमेशा चांद भाई को इस बारे में भी अपडेट रखा है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने हमें इस कामयाबी में एक छोटा सा किरदार अदा किया। अल्लाह हू खैर।